11 बज के रोने की आवाजें गूंजती है और यहाँ पे पास में एक बच्चों का ओए गाइस आवाज आई यहाँ से। हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल हंटेड जोन में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज मैं एक ऐसे हॉन्टेड लोकेशन पे आ गया जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ ये रास्ता है ना, यहाँ पे कोई भी गुजरता है उन लोगों को बच्चों की रोने की आवाज़ें गूंजती है और यहाँ पे पास में एक बच्चों का कब्रिस्तान है। मैं सारी लोकेशन दिखा देता हूँ एक बार आपको कि आपको विश्वास हो जाए। तो गाइस वो देख रहे हो ना सामने वो लाइट, ठीक है, वो पूरा बच्चों का कब्रिस्तान है। वहाँ पे बच्चों को दफनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो भी यहाँ पे कोई भी व्हीकल जाता है या भी कोई भी रात को यहाँ पे कोई भी गुजरता है ना, उसको अजीब अजीब रोने की आवाज़ें आती है। तो गाइस लोकेशन दिखा देता हूँ पूरी, आपको विश्वास हो जाए कि आपका भाई उसी लोकेशन पे आ गया। ये देख लो, ओए गाइस आवाज़ आई यहाँ से, किसी ये देखो बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही है। ओ भाई कौन है, कौन हो भाई? गाइस गाइस यहाँ से ना बच्चों की रोने की आवाज़ आई गाइस क्लियर मेरे को। अब देखो फिर से आ रही है, ये देखो क्लियर बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। गाइस एकदम क्लियर बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। मैं आपको ना गूगल टाइम दिखा देता हूँ, ठीक है, देख लो गूगल टाइम। ग्यारह बज के क्या था अबे यार क्या चीज़ थी आसपास। गाइस गूगल टाइम दिखा दिया, आवाज आई है गाइस, रोने की आवाज से ना डर के कुत्ते भाग के गए हैं और वो उस साइड भाग गए हैं। देख लो गाइस ये वही गाइस आवाजें आ रही है, अभी तक भी आवाजें आ रही है, अभी तक आवाजें आ रही है। इतनी ज्यादा खतरनाक है ना, मेरे आसपास कोई नहीं है, आप देख सकते मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, ठीक है। 11:22 पे मैं यहाँ पे सरवाइव कर रहा हूँ। पास में बच्चों का कुछ ऐसा महसूस हो गया कि जैसे किसी ने मेरे को ना किसी ने मेरे को शरीर पे ऐसा जकड़न सी महसूस कराई है, ऐसा महसूस हुआ मेरे को। ओह गाइस पूरा कन्फर्म यहाँ आसपास किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, मेरे को कन्फर्म आई है किसी की रोने की। कुत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, कुत्ते भी देख लो गाइस बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, कन्फर्म यहाँ पे वो चीज़ है। एक भाई ने यहाँ पे वीडियो बनाई थी बच्चों का कब्रिस्तान करके है, तो भाई उसको भी वो चीज़ सुनाई दी थी और उसको पूरा क्लियर किया था उसने, और मैं भी उसकी वीडियो देख के यहाँ पे इस लोकेशन को क्लियर करने के लिए आया हूँ, अभी भी मेरे को वो चीज़ सुनाई दे रही है। तो कोई भी भाई ना इस लोकेशन के बारे में पता करना चाहता है ना, कमेंट करो, आप कमेंट करके पूछो मेरे से कौन सी लोकेशन है भाई, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मेरे से ना बोला ही नहीं जा रहा, इतनी बुरी हालत होगी। क्या ना बच्चों की कच्ची उम्र में मौत होती है, ठीक है, उसकी स्पिरिट, उनकी स्पिरिट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है ना भाई। अभी मेरे को कुछ रोने की आवाज़ें मतलब बंद हुई है, वो चीज़ें आ नहीं रही है। इतने ज़्यादा कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पे, कोई ना कोई चीज़ है कन्फर्म, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है। और मैं कितने तो वो चीज़ सामने नहीं आ रही और रोने की आवाज़ें आ रही है यहाँ पे, और ये तो लोकेशन मैंने गाइस देख लो क्लियर कर दी। और आप कोई
फिर से आवाज आ रही। देख लो भाई, क्या चीज़ है यहाँ पे भाई। आवाज़ जी यार मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रही। आवाज़ जी ये देखो गाइस, क्लियर मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही। आसपास से आवाज़ें आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही, पीछा नहीं छोड़ रही वो चीज़ मेरी। थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, फिर होना स्टार्ट होगी। देखो आप जो भी कोई चीज़ हो, मैं यहाँ पे आपको कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया। देखो आप जो भी चीज़ हो, मैं आपको यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया। बच्चों की आवाज़ आपने सुनी होगी, कितनी दर्द भरी थी। जिस भाई को नहीं आ रही ना, निवेदन है कि आप ना ईयरफोन लगा के सुनो, आपको कन्फर्म आवाज़ सुनाई देगी और पूरा एकदम क्लियर पता चल जाएगा। बाकी गाइज ये लोकेशन क्लियर है, और कोई लोकेशन भाई, कोई भी लोकेशन अगर कोई क्लियर करना चाहता है तो, मतलब करवाना चाहता है तो, आप ना लोकेशन मेरे को कमेंट में बताओ या मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, भाई आपकी लोकेशन पे हम आएंगे और क्लियर करेंगे।